अध्याय 4 आगे कहता हूँ कृष्ण श्लोक 25 कि कुछ लोग बाजे देव पूजन में सदा तल्लीन बा एही मबा कुछ लोग जे खुद ब्रह्म में ही लीन बा ते कुछ लोग बाड़न ऐसन कईयम क आगी बारी के इंडियन के होम कर देलन ओ माझारी के बाय ऐसनो लोग जे हर राग यज्ञ का हर रूप में रामल रहस कुछ लोग भी अद्रव्य यज्ञ केहू करे केहू तप करे केहू जोग भी तो द्रव्य वाला यज्ञ मतलब मन से कैल दान है आ इंद्रियन के खूब तपावल तप के ई पहचान है। दान देला का मतलब कि मन से देव खाली दान देला से कोनो मतलब निखे। जोग का मतलब कि जायज कर्म में तल्लीन बा स्वधायक मतलब कि खुद के चीने में ही लीन बा कुछ लोग बाड़न ऐसनो लागल बा खुद के जान ले लीन बाड़न अध्ययन में खुद के ही पहचान ले। दान का मतलब कि ना धन धान्य दौलत बाँट दी आ दान मतलब ई भी है कि दुख सुख में दिल से आँट दी। श्लोक 29 अपान वायु में करे कुछ होम अपना प्राण के अपान वायु में करे कुछ होम जब अपान के कुछ लोग बाय ऐसन भी दे दूनों के राखे रोक के पूरक करे रेचक करे कुंभक करे बेरोक के अपान का मतलब कि भीतर जाए वाली सांस है पान मतलब जे छोड़ा ले यानी कि उच्छ्वास यज्ञ होला कई तरह के वेद में बाटे कहल जे करे जैसे करे बस मन के ऊ राखे विमल। यज्ञ का मतलब न खाली देव पूजन या हवन यज्ञ मतलब लोक सेवा में लगे तन मन वचन एक लेब जान
या फिर युक्ति पा जैबे अगर मुक्ति के जोहब न तू तब मुक्ति का धरब डगर। श्लोक 32 खत्म भेला। अब श्लोक 33 कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान जग होला बहुत महान, हे अर्जुन यह यज्ञ से छूटे कर्म गुमान। यानी जे दान देता ओकरा ही लागेला कि हम देनी तो द्रव्य यज्ञ हो गई, लेकिन हम कुछ नहीं देले, एके जे समझ ली ओकरा हर तरह का लालसा से दूरी बढ़ी। श्लोक 33 रहला। श्लोक 34 मन में रख भाव सेवा का जो जय बापा ज्ञानी के। श्लोक 37 कि जैसे आगी में गुण होला जला देले जलावन के, वही सही ज्ञान देला फूंक करता अपन के भावन के। भीतर यहा ज्ञान से बढ़ के न यह संसार में कुछ बाप, मिटा देला कर्म फल कूली पावन पावन के। तो समझ ले बजे ढंग से असल में कर्म का होला, कर्म निष्काम कर करके भरल जे ज्ञान का झोला। जरूरी ना भई कोनो कि दूसरा से ही सीखे सब, समय पर खुद ब खुद पैदाई के हूँ में कबो होला। अपना बस मेरा के ऊ है नायक हा, ज्ञान का ऊ है बात अधिकारी असली ऊ है लायक हा। ज्ञान मिलते बदल जाला रहन सहन प्राणी के, असल में ज्ञान अमृत हा, असल में शांतिदायक हा, असल में ज्ञान अमृत हा, असल में शांतिदायक। तो ना बाटे ज्ञान ही रख ले अना बा भाव श्रद्धा के, सहारा तर्क का लेला लगल बा रोग दुविधा के। तर्क का गुण है चंचलता, यही से वो भी चंचल बा, लोक पर लोक दोनों में भोग पाई न सुविधा के। उहे न ज्ञानी बाज करा बयंदर ज्ञान हे अर्जुन, कर्म का फल सतावे ना बो करा मन में गुण। काम कैला कदंग से भाव भीतर तो कहला निक, मिटा देला है कैसे ऊ सदा संदेह का दुर्गुण, मिटा देला है।
अंतिम श्लोक अध्याय 4 का 42वां श्लोक कृष्ण जी बताता हूँ कि भरल अभी अज्ञान बा तोहरा अंदर तात शंका के पैदा करे घर करे घात प्रतिघात ज्ञान रूपी तलवार से संशय के दमार अर्जुन हो खब उठ खड़ा युद्ध बदे तैयार। ये तरह अध्याय 4 समाप्त हो गई। अब अध्याय 5 शुरू हुई।